Let's read this question. The question says, when one CO2 molecule is fixed as one molecule of triose phosphate, which of the following photochemically made high energy chemical intermediates are used in the reduction phase? So question mein kaha hai ki jab एक CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल को फिक्स करके एक मॉलिक्यूल ट्रायोस फॉस्फेट का बनेगा तो उस टाइम पर कौन सी हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स यूज होंगी इन रिडक्शन फेजेस में. फर्स्ट 2 ATP एंड 2 NADPH यूज होगी, सेकंड 1 ATP एंड 1 NADPH, थर्ड 1 ATP एंड 2 NADPH, फोर्थ 2 ATP एंड 1 NADPH. सो द की कांसेप्ट इज डार्क रिएक्शन. सो डार्क रिएक्शन को और क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये लाइट पर डिपेंड नहीं रहती है, ये डिपेंड है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच. सो यहाँ पर क्या होता है, एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड एनएडीपीएच that is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. ये light reactions के product है और dark reaction में ये use होंगे so that one molecule of glucose बन सके. so dark reaction में क्या होता है, इसमें तीन steps होते हैं, carboxylation, reduction and regeneration. so starting में atmosphere से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH2O वाटर है वो एंटर होगा एंड राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होगा. दैट इज RUBP का. सो किसकी जरूरत होगी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की. अब जब ये RUBP का कार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या बनेगा, 3-फॉस्फो ग्लिसरेट बनेगा. ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे. अब इसका होगा रिडक्शन, ये रिडक्शन प्रोसेस होगा. यहां क्या होगा, दो मॉलिक्यूल एटीपी के और दो मॉलिक्यूल एनएडीपीएच के, इनकी जरूरत होगी फॉस्फोरिलेशन एंड रिडक्शन करने के लिए एक CO2 मॉलिक्यूल का. और ये क्या बना लेंगे, एडीपी इनॉर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनएडीपी. तो यहाँ इनका रिडक्शन हो गया है. रिडक्शन के बाद क्या होगा, क्या बन जाएगा, ट्रायोस फॉस्फेट बन जाएगा. फिर ये ट्रायोस फॉस्फेट का क्या होगा, रीजेनरेशन होगा RUBP में. और इस रीजेनरेशन में क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल होगा एटीपी का वो यूटिलाइज होगा और क्या बना लेगा, एडीपी. क्वेश्चन में पूछा था कि जब एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होगा ट्रायोस फॉस्फेट में तो कितने हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स यूज होंगे. सो ट्रायोस फॉस्फेट कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है. इस ट्रायोस फॉस्फेट का दूसरा नाम है G3P और वी कैन से ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. सो यहां पर एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए इन ट्रायोस फॉस्फेट कितने मॉलिक्यूल लग रहे थे, 2 ATP एंड 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ रही थी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल से ट्रायोस फॉस्फेट बनाने के लिए. टोटल कितने की जरूरत पड़ी थी, 2 ATP एंड 2 NADPH की. सो द फाइनल आंसर इज ए, 2 ATP plus 2 NADPH. Hope you understood it well. Best of luck.